अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं टेक पाकिस्तान। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को अपने चैनल टेक पाकिस्तान में बहुत बहुत वेलकम करता हूं, जिसमें आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं Honor 7A। दोस्तों, Honor 7A को 2 महीने पहले पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया था, जो कि इस वक्त मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट में आता है। मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में इसका नाम आने की एक वजह इसकी प्रीमियम लुक और इसके अंदर मौजूद बहुत सारे ऑप्शंस, जो कि आपको मार्केट कंपैरेटिव प्राइस में मिल जाता है। इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले हम इसकी प्राइस रेंज के बारे में जान लेते हैं कि इसकी प्रीमियम लुक हमें किस मार्केट कंपैरेटिव प्राइस में मिलती है। दोस्तों, Honor 7A को 17,499 रुपए की प्राइस में मार्केट में लॉन्च किया गया था, जिसको कुछ डॉलर रेट्स के फ्लक्चुएशन की वजह से बाद में 18,999 का कर दिया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके अनबॉक्सिंग के साथ साथ कि 18,999 रुपए की रेंज में हमें इसके अंदर कौन से ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि इसे वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में डालते हैं। तो बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले हमारे पास यहां पे मौजूद है हमारा वारंटी कार्ड, और उसके बाद पीछे की तरफ हमें यहां पे देखने को मिलता है Honor 7A। और इस फोन में बहुत ही मजेदार किस्म की बात कि इस फोन में हमें फास्ट फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक सेंसर मिलता है, यानी कि इस फोन के अंदर हमारे पास फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। और इस फोन में हमें देखने को मिलती है 5.7 इंचेस का 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला मॉडर्न डिस्प्ले, ड्यूअल सिम प्लस एसडी कार्ड, यानी इस फोन के अंदर हम एट द सेम टाइम 2 सिम कार्ड्स और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। EMUI, जो कि Honor के फोन का एक अपना यूजर इंटरफेस है। एंड्रॉइड 8.0 ओरियो हमें इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके बॉक्स को अनबॉक्स करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टेक पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिलता रहे। तो दोस्तों, बॉक्स खोलते साथ ही सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा यूनिट, और आए मजीद जानते हैं कि इस फोन में हमें क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें नजर आता है हमारा सिम इजेक्टर टूल, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कुछ पेपर वर्क, यूजर गाइड, हमारे हैंडसेट्स और एक डेटा केबल, जो कि एक नॉर्मल माइक्रो यूएसबी डेटा केबल है, और एक पावर ब्रिक, जो कि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एक 5V 1A का पावर ब्रिक है। तो दोस्तों, हमने अपनी एक्सेसरीज को साइड पर सेट कर दिया है और हम आए वापस अपने यूनिट की तरफ। हमें यहाँ पे एक प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर देखने को मिलता है, पीछे की तरफ हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और ऊपर की तरफ एक सिंगल कैमरा देखने को मिल रहा है। इस फोन का ओवरव्यू हम बाद में ले लेंगे, सबसे पहले हम इस फोन को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये फोन हमारे पास ऑन हो चुका है, तो अभी हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा फोन हमारे पास यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब आए सेटिंग्स में देखते हैं कि हमारे पास स्टोरेज में से यूजर अवेलेबल कितनी बचती है। लाइक ऑलवेज 16GB में से 9.04 हमारे पास यूजर अवेलेबल है। Honor 7A EMIUI वर्जन 8.0 और एंड्रॉइड 8.0 ओरियो ऑटो द बॉक्स हमें इसमें देखने को मिलता है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 इस फोन में हमारे पास मौजूद है। 2GB ऑफ रैम और 16GB ऑफ इंटरनल मेमोरी। इस फोन का पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वेरिएंट आया है, जबकि वर्ल्ड वाइड इस फोन के 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज, और 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ, जबकि पाकिस्तान में ये 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ ही आया है। दोस्तों, मजीद हमें इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस आईडी दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं, और जो कि काफी इंटरेस्टिंग है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो चलिए इस फोन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक माइक्रोफोन और एक रिंगर, चार्जिंग जैक। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सिम ट्रे, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड्स और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। ये एक ट्रेओ सिम ट्रे होती है, जो कि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे आप 2 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड अलग से लगा सकते हैं, यानी कि तीनों चीजें आप एक साथ लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ हमें एक मिलता है 3.5mm का हेडफोन जैक, पीछे की तरफ हमें यहाँ पे माइक्रोफोन देखने को मिल रहा है, और LED फ्लैश, 13MP का बैक कैमरा, फिंगरप्रिंट, यहाँ पे हमें 2 IMEI, Honor की प्रिंटिंग नीचे है। और अब आते हैं राइट साइड की तरफ, जहाँ पे हमें मिलता है पावर की और वॉल्यूम रॉकर्स। दोस्तों, इस फोन का डिस्प्ले अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से मुनासिब है। 3000mAh की एक पावरफुल बैटरी है इसके अंदर, 720p का डिस्प्ले है, तो ये फोन बैटरी एफिशिएंट ही होगा यकीनन। फर्दर हमें इस फोन को यूज करके बाद ही पता चलेगा कि ये फोन कितना बैटरी एफिशिएंट है। तो दोस्तों, ये था Honor 7A। एक मिड रेंजर और एंट्री लेवल में अगर आपको बहुत सारे फीचर्स की जरूरत है तो इस फोन को बिल्कुल आप मेरी रिकमेंडेशन समझें, और उसके अलावा हम इस फोन के मजीद फीचर्स को जरूर एक्सप्लोर करेंगे।
अगर आपको ऑनर 7A के हवाले से हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हमारे साथ लाजमी शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरे चैनल टेक पाकिस्तान की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।